हरियाणा के हाई प्रोफाइल लोकसभा सीटों में शुमार सोनीपत से भारतीय जनता पार्टी ने मोहनलाल बड़ौली के रूप में नए चेहरे पर दाव खेला है। राय विधानसभा सीट से विधायक बड़ौली को एक सरप्राइज उम्मीदवार के तौर पर भी देखा जा रहा है। टिकट मिलते ही बड़ौली फॉर्म में आ गए हैं और अपने सियासी प्रतिद्वंदियों खासकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर हमलावर हैं। कांग्रेस पार्टी का कोई चुनाव लड़ने वाले उनको नेता नहीं मिल रहे हैं, उनके नेता बड़े बड़े नेता चुनाव से भाग रहे हैं और ये जो कांग्रेस पार्टी ने जनता के पाप करने का काम किया वो पाप आज उन नेताओं के सिर पर चढ़कर बोल रहा है, इसीलिए वो चुनाव से डरते हैं और वो चुनाव से भाग रहे हैं, इसीलिए आज तक वो अपने उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं कर पाए। भाजपा नेता बड़ौली ने आम आदमी पार्टी के आरोपों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कानून के तहत हुई है। ये जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी जो झूठा प्रचार करके गरीबों को गुमराह करके जो लंबे समय से देश में राजनीति करते रहे हैं, आज कानून जब भी अपना काम करता है वो इसी प्रकार का आरोप लगाते हैं। जब कांग्रेस पार्टी भी सत्ता में थी तब भी कानून यही था, यही अधिकारी थे, यही डिपार्टमेंट थे और उन्होंने अपना राज रहते हुए जो भ्रष्टाचार किया है, अपने राज का जो दुरुपयोग किया है, सरकारी पैसे का गमन किया है, जनता के पैसे को हड़पने का काम किया है, उन सब चीज़ों को लेके जो कानून अपना काम करता है, कानून ने अपना काम किया है, वो एक इस प्रकार का राजनीतिक वातावरण, राजनीतिक आरोप जो कांग्रेस के पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी के नेता लगाते हैं बेबुनियाद हैं, तथ्यों से परे हैं और जनता सब जानती है, जनता समझती है और ये आने वाला जो चुनाव है इसमें सारी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। बता दें कि बीजेपी ने रमेश चंद्र कौशिक का टिकट काटकर इस बार मोहनलाल बड़ौली को उम्मीदवार बनाया है। कौशिक ने 2019 में कद्दावर कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़े अंतर से हराया था। हुड्डा इस बार मैदान में उतरते हैं या नहीं इस पर सबकी नजरें हैं। उनके चुनाव लड़ने से सोनीपत में एक बार फिर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। सोनीपत से कपिल शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।